भाजपा के लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आज एहसास हो गया है जनता को, वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, ये सरकार वोटों के आधार पर नहीं बनी, ये सरकार नोटों के आधार पर बनी है। शाम के पास ही हम सब उपस्थित हैं, तो आप सब मेरे साथ बोलो बोलो बजरंग बली की। आज हमारे पठारी गांव में हमारे युवाओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं राजनीति व्हाट्सएप पर नहीं करनी, राजनीति जमीन पर करनी होगी। सड़क पर रहो, मौसम जैसा भी हो, चाहे लू लग रही हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो या ठंड हो, जनता के बीच जाना होगा, घर घर। विदिशा जिले के पठारी में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म को खतरा ना था, ना है और ना रहेगा। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, जगह जगह उनका हुआ स्वागत। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निशांक जैन ने लगाए जय जय श्री राम के नारे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार। विदिशा जिले की पठारी में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह का भाल बामोरा से पठारी तक जगह जगह स्वागत किया गया। बस स्टैंड से खुली जीप में रोड शो किया गया एवं जनता जनार्दन का हाथ हिलाकर अभिवादन किया गया। सर्वप्रथम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंघई के निवास पर भव्य स्वागत किया गया। प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर के प्रसिद्ध करेली धाम पहुंचे एवं दर्शन कराने वाले 23 के चुनाव के लिए आशीर्वाद लिया। करेली धाम में कार्यक्रम के आयोजक अजय सिंह गढ़ी ने परिवार सहित स्वागत किया। गढ़ी में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म को ना खतरा था, ना है और ना रहेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खतरा बताकर समाज को बांटने का कार्य किया है। बजरंगबली हमारे रक्षक हैं, तो हिंदू धर्म को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता। हमें समाज को जोड़ने का कार्य करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। 2023 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो अभी 15 महीने की हमारी सरकार में जिन किसानों की कर्ज माफी रह गई थी वह कर्ज माफी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत दोगुनी हो गई है, महंगाई चरम पर है। उन्होंने महंगाई पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निशांक जैन ने जय जय श्री राम के नारे लगाकर यह बता दिया कि राम भगवान सबके हैं। आज जो युवाओं में जोश दिखा है वह आने वाले कल में एक ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने आने वाले पंच, सरपंच, जनपद, जिला एवं अन्य चुनाव में कांग्रेस की विचारधारा वाले प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया एवं पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, विदिशा विधायक शशांक भार्गव, पूर्व विधायक बानबाई, सुभाष बोहत, राकेश कटारे आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा के समापन के बाद कार्यक्रम के आयोजक अजय सिंह ठाकुर ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया एवं इसके बाद जयवर्धन सिंह जी, निशांत जैन जी, अजय सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, रघु ठाकुर के निवास पर पहुंचे एवं भव्य स्वागत किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार। रोजगार पर बात नहीं हो रही, महंगाई पर बात नहीं हो रही, शिक्षा पर बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है मंदिर पर, मस्जिद पर। देश किस ओर जा रहा है? आपने अभी हमारा भाषण सुना होगा, हमने बात करी महंगाई की, हमने बात करी बेरोजगारी की, क्योंकि आज के समय आम जनता परेशान है और भाजपा के लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आज एहसास हो गया है जनता को, वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, ये सरकार वोटों के आधार पर नहीं बनी, ये सरकार नोटों के आधार पर बनी है। हम सब ने आज संकल्प लिया है पठारी में कि आने वाले दिनों में हम सब मिलके काम करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और विशेषकर जो आम मतदाता है, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, चाहे हमारी माता बहनें हों, उनका मत प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और पुनः 2023 में सरकार कमलनाथ जी की बनाएंगे, कांग्रेस की बनाएंगे। 2023 में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? जैसा मैंने अभी कहा, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा कर्ज माफी का हो, आखिर शुरुआत जो कर्ज माफी की थी कांग्रेस ने की थी, और जो योजना सरकार की होती है वो योजना कोई पार्टी की थोड़ी होती है। भाजपा का दायित्व था कि ये सरकार भी जो शेष कर्ज माफी थी उसको पूरा कर सकते थे,
लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। हमने वादा किया है अगर अगले साल सरकार वापस कांग्रेस की बनती है तो जो शेष कर्ज माफी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। पुनः बिजली के बिलों को 100 रुपये/100 यूनिट करेंगे। इसके अलावा हम ये प्रयास करेंगे कि जो आज बेरोजगार युवा घूम रहा है गाँव में शहरों में, उनके लिए नए रोजगार के पद स्थापित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। पुरानी पार्टी कांग्रेस क्यों उसको हाथ मानते हैं, जरूरत पड़ रही, क्यों नेता कांग्रेस छोड़ कर जाने को मजबूर है? ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जो बिकाऊ थे बिक गए, अब टिकाऊ रह गए हैं।